हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की जहाँ पर दोबारा से एक स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज आती हुई नजर आई है और वहां पर से अगर हम बात करें कभी स्प्लिट मिलता हुआ नजर आएगा कब यहाँ पर डिसीजन होगा और आ, किस रेशो में यहाँ पर रिस्क आ सकता है तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे और तब तक क्या शेयर प्राइस ऊपर भागेगा या नहीं उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कमेंट करिएगा अगर कोई क्वेश्चन क्योरीज हो और यहाँ पर दूसरी वीडियोज यहाँ पर बनाई गई थी कल की डेट में तो यहाँ पर देखिए ये शेयर भागते हुए दिखाई दिए तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं इन वीडियोस को तो हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले अगर हम यहां पर देखें तो लगभग चौदह सौ रुपए के आसपास का यहाँ पर प्राइस है 52 वीक लो की बात करें तो देखिए सिक्स फिफ्टी इसका uh, तो रुपीज पर नवंबर शेयर को चौदह सौ सत्तावन रुपीज पर शेयर आज की डेट में ये शेयर लगभग उसी रेशो में मतलब फोर्टीन हंड्रेड प्लस जाता हुआ दिखाई दिया था गैप ओपनिंग हुई थी बट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था लास्ट uh, में तो इसका मतलब क्या है कि देखिए न्यूज आती है तो कभी भी जल्दबाजी में अगर बात करें

21 सितंबर मतलब आज नाइन्थ ऑफ सितंबर है तो यहां पर 11 दिन बाद बारह दिन बाद जब यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है बोर्ड मीट जैसे कि आप देख सकते हैं तो उसमें यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा और मोस्टली जब ऐस बड़ी बड़ी कंपनी जब ऐसा डिसीजन लेती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आ, हमें दिखाई देता है कि वो सारी की सारी बातें यहाँ पर सच हो जाती है तो हम किस रेशो में यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है हमारा तो हम उसे भी देखते हैं बट एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ ये कंपनी इतनी अच्छी कंपनी यहाँ पर नजर आती है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादा टाइम इसे हुआ नहीं है बट स्टिल देखें तो यहाँ पर दो दो बार डिविडेंड दिया है तैतीस रुपए पंद्रह रुपए का और यहाँ पर 2021 में देखे तो पंद्रह रुपए का यहाँ पर डिविडेंड अभी तक कंपनी दे चुकी है तो ऐसी कंपनीज में हमेशा रहना चाहिए तो आइए एक बार चलते हैं तो कंपनी का नाम क्या है कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनेटिक लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनेटिक Aeronautic Limited करती क्या है तो यहाँ पर देखिए uh, Aeronautic is engaged in the business of manufacturing of aircrafts and helicopter of uh, and repair maintenance of aircraft and helicopter तो अगर बात करें ये जो कंपनी काम करती हुई नजर आती है ये यह यह यहाँ पर हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाती हुई एज वेल एज यहाँ पर मेंटेन करती हुई नजर आती है और ये काफी बेहतरीन कंपनी है डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है और एक तरीके से मोनोपोली कह सकते हैं कि ये यह बिजनेस यहाँ पर मोनोपोली बिजनेस करती हुई नजर आती है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो तेजस का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा हिंदुस्तान का एक एयरक्राफ्ट है और काफी बेहतरीन एयरक्राफ्ट है वो भी यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें ये कंपनी करती हुई नजर आती है यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड जाके आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके जो हेलीकॉप्टर है हाल किसी के नाम से तो ये भी कंपनी बनाती हुई नजर आती है यहाँ पर और डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर क्या क्या बनाती हुई नजर आती है In introduction hall, yeah list of items for maker जो यहाँ पर यह सब चीज से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है कंपनी के बारे में तो तेजस आपको पता ही है तो उसी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है इन शॉर्ट अगर हम बात करें इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो देखिए ये एक तो लार्ज कैप कंपनी है और छियालीस हजार करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है यहाँ पर बड़े कम पी पे लगभग चौदह के पी पे ये शेयर मिलता आ रहा है और आर की बात करें छब्बीस का आर है बीस का आर है और डेट की बात करें कोई भी यहाँ पर डेट नहीं है कोई भी यहाँ पर शेयर लेस नहीं है और यहाँ पर देखिए तो इस वैल्यू यहां पर 10 है तो मोस्टली अगर हम देखते हैं आईआरसीटीसी के केस में भी देखा है कि आ, 5 के रेशियो में हमें यहां पर वन 1:5 में यहां पर आ, मिलता हुआ दिखाई दिया था स्प्लिट तो इसी रेशियो में आपको आसपास इसी रेशियो के आसपास यहां पर ये स्प्लिट हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर हमें ये जो स्प्लिट है वन रेशो वन में भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है तो हमें देखना होगा ये का, ये किस रेशो में यहाँ पर स्प्लिट दिखाई देता है बट यहाँ पर मोस्टली फाइव के रेशो में ही यहाँ पर स्प्लिट यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है बाकी अगर देखें इसका और जो ऑर्डर बुक है ना बड़ी बेहतरीन यहाँ पर ऑर्डर बुक है पैंतीस करोड़ रुपए का यहाँ पर इनकी ऑर्डर बुक है आ, मतलब इन्हें अच्छा खासा ऑर्डर मिलते ही रहते हैं और इस कंपनी की बात करें तो देखिए ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है लगभग कितना मार्च दो में यहाँ पर ये कंपनी आती हुई दिखाई दी थी उसका थोड़ी सी गिरावट फिर शेयर भागा था फिर यहाँ

इफेक्ट देखता हुआ नजर आएगा इन्वेस्टमेंट की बात करें थाउजेंड फिफ्टी सिक्स करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है इनका कैश की बात करें इकहत्तर यहाँ पर देखिए तीन सौ सत्रह करोड़ सीधे एक, इकहत्तर uh, करोड़ का कैश हो गया है तो यह सारी चीजें बताती है कि कंपनी कितनी यहाँ पर बेहतरीन है कैश फ्लो यहाँ पर अच्छा खासा है पंद्रह हजार करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो आता हुआ दिखाई दिया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इस बार का यहाँ पर, पर आर ओसी की बात करें तो कंपनी का आर ओसी के नीचे कभी नहीं आया और जब इस तरीके का आर रहता है ना किसी भी कंपनी का तो वहां पर अच्छे खासे यहाँ पर पैसे मिलते हुए नजर आते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें यहां पर बीच में ओ आया था तो यहाँ पर जो रूल था सेवेंटी फाइव रिशो ट्वेंटी का वो अप्लाई हो गया है एज वेल एज एफ

नजरे बना के रखिएगा स्प्लिट की न्यूज है और यहाँ पर अगर हम बात करें एक टारगेट की तो मुझे एक यहाँ पर टारगेट नजर आता है उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसने यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया है ओके okay, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ऑल टाइम हाई यहां पर लगाता हुआ दिखाई दिया है तो यहां पर एक कब विद हैंडल पैटर्न अगर हम बात करें कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जहाँ पर ये शेयर आपको अच्छे खासे बेहतरीन रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा फ्यूचर में तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर एक कब बनाता हुआ नजर आ रहा है और कप बनाने के बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जैसे कि यहाँ पर रेड कैंडल है नीचे जाके एक हैंडल बनाएगा क्योंकि स्प्लिट की न्यूज भी है इक्कीस तारीख को जब न्यूज आएगी तब तक अभी तब तक शायद यहाँ कंसोलिडेट करेगा कुछ थोड़ा सा नीचे आ सकता है और फिर उसके बाद शेयर एक साथ ही जंप लेगा और यहाँ पर जो इसका ऑल टाइम आई है इसे क्रॉस करेगा और इसे क्रॉस करके फिर हमारे टारगेट की तरफ बढ़ेगा जो कि यहाँ पर कितना बन के आ रहा है तो जो कि अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि हम एक बार देख लेते हैं तो अगर हम यहाँ पर इसका टारगेट देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम इसे नीचे रख लेते हैं तो हमारे पास सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसका टारगेट तो इसका टारगेट ये हमारे सामने नजर आ रहा है कितने का तो यहाँ पर देखिए इक्कीस सौ का टारगेट नजर आ रहा है ये इक्कीस सौ अगर हम यहाँ से रिस यहाँ पर देखें कि कितना परसेंटेज बनता है तो ये एक अच्छा खासा बेहतरीन परसेंटेज बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग पर 55 परसेंट के शेयर फिफ्टी फाइव परसेंट का यहाँ पर फिफ्टी फाइव परसेंट का गेन का मतलब क्या है अगर ये एक साल भी ले, ले लेता है ना इसे 55 के के गेन के लिए तो मुझे लगता है एक बेहतरीन चॉइस पर बनती हुई नजर आएगी तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं और ये टारगेट देखिए अचीव होते हैं सूनर और लेटर देखिए यहाँ पर भी एक अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये रुकता हुआ नजर आया था ओके उस केस में देखिए यहाँ पर क्या टारगेट बने थे एक बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ और वो टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं वो भी देख लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको वीडियो बनाई थी इसी के आसपास शेयर प्राइस चल रहा था और यहां पर हमने जो वीडियो बनाई थी आपको बताया भी था कि ये टारगेट

तो इसके टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए नजर ही आए तो ऐसे ही टारगेट यहाँ पर इसके नज़र मुझे भी लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर करेगा एक न्यूज़ भी साथ में है तो जब इस तरीके की न्यूज़ होती है तो ऐसी न्यूज़ को भी ये साथ में लेके चलते हैं आ, और ये ये न्यूज़ ऐसे टारगेट को इजीली यहाँ पर अचीव करा देती है सोनर और लेटर देखिए ये टारगेट था जो कि इसका ऑल टाइम आई था और इसी के पास यहाँ पर आके दोबारा यहाँ पर शेयर रुकता हुआ नजर आया है तो यहाँ पर देखिए टारगेट तो अचीव हो गया ओवर अचीव हो गया और थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आके कंसोलिडेट करके ये दूसरा जो टारगेट है इसे भी अगर मैं यहाँ पर देखे कितने टाइम में यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आया तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया यहाँ पर हम निकल फैफ से लेके अभी तक की बात करें लगभग छह महीने छह महीने में ये टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया तो यहाँ पर अगर देखते हैं अभी से अभी छह महीने में अगर पचपन परसेंट मिल जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है बाय करके यहां पर खरीदने की कोशिश करना बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की स्टडी करके किसी के कहने पर यहाँ पर शेयर नहीं लेना ना मेरे कहने पर ना दूसरों के आपके सामने है क्योंकि यहाँ पर देखिए आज के दिन में गैप अप ओपनिंग हुई थी तो काफी लोग यहाँ पर ऊपर के लेवल पर फंसे होंगे यहाँ पर भी फंसे होंगे बट न्यूज है यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेयर को ऊपर जाना ही है थोड़ा सा यहाँ पर पेश रखने की जरूरत है सो so, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे आपको चार्ट पैटर्न समझ में आ आ जाए और आपको फंडामेंटल समझ में आए कि कंपनी किस तरीके का परफॉर्म करेगी सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस